नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रॉबर्ट वाड्रा की लंदन में बेनामी संपत्ति पर मचा बवाल। प्रियंका गांधी के पति और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वित्त मंत्रालय उस जांच की रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा है जिसके मुताबिक 2009 में हथियारों के एक विवादित सौदेबाज ने लंदन में रॉबर्ट वाड्रा को बेनामी घर खरीद कर दिया था। इस जांच में उन ईमेल्स का भी हवाला है जिसे कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा और उसके सहयोगी मनोज अरोड़ा ने भेजा था। इस मामले में डिफेंस सौदेबाज संजय भंडारी से पूछताछ हो रही है। चैनलों की रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा और उसके सहयोगी मनोज अरोड़ा ने कई ईमेल्स भेजे हैं जिसमें लेनदेन और लंदन के घर के रिनोवेशन से जुड़ी बातें हैं। 12 एल्टन हाउस बायस्टन स्क्वायर पर स्थित इस घर को 19 लाख पाउंड यानी करीब 19 करोड़ रुपए में खरीदा गया। ऐसा आरोप है कि यह सौदा अक्टूबर 2009 में हुआ और जून 2010 में इसे बेच दिया गया। भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि मैं ईडी आयकर विभाग से आग्रह करूंगा कि वह कथित संपत्ति और पूरे मामले में वित्तीय अनियमितता की जांच करें। उमंग ऐप से 1000 से ज्यादा सरकारी सेवाओं तक पहुंच होगी आसान। दिसंबर में होगा ये लॉन्च। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार एक ऐसे मोबाइल ऐप पर काम कर रही है जो केंद्र और राज्य सरकारों की 1000 से अधिक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा तथा इसे दिसंबर 2016 में लॉन्च किया जाएगा। प्रसाद ने कहा कि हम एक साझा मोबाइल ऐप शुरू करने जा रहे हैं। इस ऐप में हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों की सेवाएं देंगे। एक बटन क्लिक करने पर लोग सरकार की 1000 सेवाएं खंगाल पाएंगे। हम राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, महिला सुरक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल के लिए दिसंबर में से शुरू करेंगे। उमंग नामक यह ऐप अंग्रेजी के साथ साथ 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। जापान के सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक सम्मान से नवाजे गए संगीतकार एआर रहमान। संगीतकार एआर रहमान को संगीत के जरिए एशियाई संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए जापान के शीर्ष सांस्कृतिक सम्मान ग्रैंड कुफुओका पुरस्कार 2016 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत संगीतकार रहमान को फ्रॉम द हार्ट द वर्ल्ड ऑफ एआर रहमान्स म्यूजिक विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। फुकुओका पुरस्कार समिति के सचिवालय ने रहमान को फिलिपिनी इतिहासकार एआर ओकाम्पो और पाकिस्तान शिल्पकार यास्मिन लारी के साथ पुरस्कार के लिए चुना है। गौरतलब है कि रहमान से पहले सितारवादक रविशंकर, नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, इतिहासकार रामचंद्र गुहा और रोमिली थापर, सरोद वादक अमजद अली खान, आशीष नंदी, पार्थ चटर्जी, वंदना शिवा और नलिनी मालिनी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अन्य भारतीय हैं। यह पुरस्कार की स्थापना 1990 में जापान के फुकुओका शहर में की गई थी। यह पुरस्कार हर साल प्रदान किया जाता है।